इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो पहले एक्स वाई निकालना पड़ेगा। एक्स वाई निकालने के इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दो एलिमिनेशन मेथड से, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x + 2y = 8 और 3x - 2y = 6, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 7x = 14, ये कट गया तो कितना हो गया 2, तो x मिल गया हमें 2। अभी किसी सिंपल वाले में रख दो, पहले वाले में रख दो y मिल जाएगा तुमको, तो 2 × 2 + y = 4, y बराबर हो गया 4 - 4 यानी कि y = 0। तो पहला पॉइंट मिल गया हमें, क्या मिल गया 2,0, एक पॉइंट मिल गया है हमें 2,0। अभी हमें इसको इसको सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x - 2y = 6, x - 3y = -5। तो इसको मैच कराने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से तो सीधा मैच हो जाएगा। क्या 3x - 2y = 6, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x + 9y = +15, 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा हमारे पास 7y = 21, ये काटोगे 3 बारी में तो y मिल गया 3। इस दोनों में किसी में रख दो y का वैल्यू, x मिलेगा, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -5 + 3y, x बराबर हो गया -5 + 3 = 9, x = -5 = 4, तो हो गया दूसरा पॉइंट मिल गया हमें, क्या दूसरा पॉइंट मिला x का 4 y का 3, एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है, एक पॉइंट देखो तो यहाँ से एक ही पॉइंट यहाँ मिल चुका है, एक पॉइंट यहाँ मिल चुका है। अब यहाँ फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करना, इसको सॉल्व करें तो 2x + y = 4, x - 3y = -5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + y = 4, -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी होगा, -2 से मल्टीप्लाई, -2x + 6y = 10, तो ये कट गया ना ऑटोमेटिक, 7y = 14, तो y बराबर कट कर मारेंगे तो कितना आएगा 2, तो y बराबर 2। तो फिर से हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, वाई का वैल्यू निकल गया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, x = -5 + 3y, x = -5 और 3 कितना 3 × 2 यानी कि -5 + 6, x = 1, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू आ गया है 2, एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो फाइनली ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, वो तीनों पॉइंट हमें मिल गया है। अब थोड़ा मेहनत और काम है कि हमें, कि ये पॉइंट मिलने से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि कहाँ से कहाँ तक हम इसका ले जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक हम इसका ले जाना है, यूनिट ले जाना है। तो एक्स का वैल्यू सबसे पहले देखो तो रियल में कहाँ से जा रहा है, 4 तक जा रहा है, एक्स के 4 तक जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, तो पहला x का 2 y का 0, x का 2 y का 0, दूसरा है x का 4 y का 3, और तीसरा है x का 1 y का 2। तो फाइनली हम एक ट्रायंगल बनाने में कामयाब हो गए, ये ट्रायंगल बन गया है। और किसी का नाम रख दो, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो सपोज करो बी, इसका नाम रख दो सी, तो ए बी। अब टेंशन तुमको ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ए बी है तो ए बी का लाइन क्या है, जब हमने तो अपने मन से फटाफट सॉल्व कर लिया था तो ये ध्यान नहीं दिया हमने कि कौन सा लाइन से कट कर रहा है। ए बी से तो चलो ए बी कौन सा लाइन था जो कट आपस में टकरा के 1 2 दिया, 1 2 किस में दिया है, 1 2 1 2 1 2 ये दिया है फर्स्ट और थर्ड में। चलो एक काम और कर ले, थोड़ा और मेहनत लग जाएगा, ये गड़बड़ कर दिया, मैंने थोड़ा मेहनत और रह जाएगा।
हमें अब ए बी का इक्वेशन क्या था ही पता नहीं, ए बी का सीख लो कोई बात नहीं है, बता देता हूँ मैं। ए और ये बी, एक्स का वैल्यू यहाँ वन है, वाई का वैल्यू टू है, टू है और जीरो है। इक्वेशन नहीं पता है तुमको तो क्या एक हिंट के लिए एक काम करो, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एलेवेंथ क्लास में पढ़ते थे, इसको बोलते थे पॉइंट पॉइंट फॉर्म बोलते थे। जब दो पॉइंट दिया रहे इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते थे, y माइनस होता था y1, x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, ऐसा होता था 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, जब पॉइंट पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकालते थे। यहाँ पर निकल जाएगा y माइनस y1 देखो कितना लिखा हुआ है टू, x माइनस x1 कितना लिखा हुआ है वन, बराबर y2 माइनस y1 यानी जीरो माइनस टू, जीरो माइनस टू, x2 माइनस x1 यानी कि टू माइनस वन। इसको सॉल्व करें अगर तो क्या आ गया, y माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन में वन, यानी y माइनस टू बराबर माइनस टू एक्स प्लस टू, यानी टू उधर भेजोगे तो y बराबर क्या आएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर, ऐसा है इक्वेशन माइनस टू एक्स प्लस फोर, y बराबर माइनस टू एक्स प्लस फोर, हाँ है। तो इसका मतलब देखो यहाँ से बात करते हैं अगर हम एक रिक्वायर एरिया, चलो कोई बात नहीं सर बना लें बाद में बात करते हैं इसका और आगे करेंगे। ये लाइन हो मिल गया हमारे पास, किसका लाइन था ए बी, देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पहले ए बी, ए बी का कहाँ से कहाँ तक लिमिट जा रहा है, ए बी का लिमिट कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ए बी हमने ए बी लिया है, देखो एक्स का देखना है एक्स में, देखो वन इस वन से टू पे जा रहा है, वन से टू पे जा रहा है, और ए बी का इक्वेशन क्या है फोर माइनस टू एक्स, ये पहला हो गया। चलो ए बी का क्वेश्चन मिल गया हमें, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर एक ही अकेला लंबा क्वेश्चन है। अगर हम बी सी की बात करते हैं, बी सी की बात करते हैं, बी यहाँ पे सी यहाँ पे, बी ढूंढो कितना है टू जीरो और सी कितना है फोर थ्री, ये तुम्हारा एक्स वन हो गया, ये तुम्हारा वाई वन हो गया, ये तुम्हारा एक्स टू हो गया, तुम्हारा वाई टू हो गया। तो अगर तुम इक्वेशन निकालोगे तो वाई माइनस वाई वन, मैं बोल रहा वाई माइनस वाई वन क्या जीरो, एक्स माइनस एक्स वन यानी कि टू इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन देन थ्री माइनस जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस टू क्या हो गया वाई अपॉन में एक्स माइनस टू बराबर थ्री अपॉन में टू, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया थ्री अपॉन में टू और एक्स माइनस टू, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन मतलब क्या बी सी का इक्वेशन, तो बी सी, बी सी कहाँ यहाँ बी सी, बी बी सी में देखो बी कहाँ चालू रहा है टू चालू चल रहा है और कहाँ पे गया फोर पर, तो टू से चला और फोर पे गया, इक्वेशन क्या है तो थ्री अपॉन में टू एक्स माइनस टू डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा बी सी। और लास्ट है सी वन, सी ए, सी ए जो ए सी लिखा होता है ए सी ले लो कोई बात नहीं, ए सी ले लो, ए सी कहाँ से कहाँ तक है ध्यान से देखो थोड़ा सा, लास्ट है ये ए सी, ए सी ए कहाँ तक है वन टू और ये है फोर थ्री, तो y माइनस ये तुम्हारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, y माइनस y1 अपन में x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, तो y माइनस 2 अपन में x, अच्छा इसका इक्वेशन बनाने जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही इक्वेशन बाकी है, मेहनत नहीं करना है, हाँ ये मेहनत नहीं करना है, इसको बनाने जरूरत नहीं है, क्यों क्यों अब एक ही इक्वेशन बच गया ना हमारे पास, दो तीन थे, तीन तो था ही हमारे पास, तीन में तो हमें दो पता कर ले तो तीसरा वही होगा ना, इसे हम क्यों मेहनत करना, इसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो तो हमने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, पहला लाइन क्या है यहाँ से फोर माइनस टू एक्स यानी ये सेलेक्ट हो चुका है, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू इसी में है, ये भी हो चुका है सेलेक्ट, तो बच क्या गया यही बच गया ना, इसका वाई क्या होगा, इसका वाई हो जाएगा थ्री वाई इजिकल्स टू, इसका वाई निकाल लो तो क्यों मेहनत करना, अपने आप पता चल जाएगा x प्लस फाइव बराबर थ्री वाई, वाई बराबर आ गया तुम्हारे पास वन अपॉन थ्री, देखो ध्यान से वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर वाई, इसके लिए मेहनत नहीं करना, तीसरा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम बन गया x प्लस फाइव और डी एक्स, इसका लिमिट कहाँ, ए सी का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है x के वन से लेकर के y के फोर तक, x के वन से लेकर y के फोर तक। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ तुम्हें ध्यान दिया कि इसमें कुछ प्लस नहीं लगाया, मैंने माइनस नहीं लगाया, तो क्या लगाएंगे, ए बी देखो, ए बी को देखो, ए बी यहाँ ए बी देखो गौर से देखो,
यहाँ ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। अगर ए बी में ऐसा देखो, ध्यान से देखना, ऐसे है ए बी, ये ऐसे ऐसे इस तरह से ध्यान से देखना। ए बी में देखो, अगर मैं यहाँ से एक मान लो कि वाटर ड्रॉपलेट, एक होता है ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप होता है पानी को पिलाते हैं, ड्रॉप तो लो ये ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप लेकर पानी गिराओ, यहाँ से ड्रॉप लेकर पानी गिराओ, यहाँ से ड्रॉप लेकर बरसात करवाओ, यहाँ से ड्रॉप बरसात करवाओ, ये बरसात का पानी ट्राइंगल में अगर नहीं आता है तो माइनस का साइन लगा, ये बरसात का पानी देखो बरसात कराओ यहाँ से, तो बरसात का पानी ट्राइंगल वगैरह नहीं गिरे तो इसका मतलब हमें माइनस लेना है यहाँ पर साइन। तो ये क्या था, हमारा ए बी था, ए बी में जो पहले लगेगा माइनस का साइन लगेगा, यहाँ बता रहा हूँ तुमको, समझ लो यहाँ से। दूसरा, अब उसके बाद देखो यहाँ से ए, यहाँ अगर इसमें से बरसात करवाओ, यहाँ पर देखो ये पानी ट्राइंगल में गिर रहा है, पानी ट्राइंगल के अंदर गिर रहा है, यानी ये प्लस का साइन आएगा, ए सी में प्लस का साइन आएगा, ये रहा ए सी प्लस का साइन। और बी सी में बरसात करवाओ, यहाँ से बरसात करवाओ, देखो पानी जो टप 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 टिप टिप बरसा पानी, और पानी ट्राइंगल में नहीं जा रहा है, ट्राइंगल में नहीं जा रहा है पानी, तो यानी नहीं जा रहा है तो माइनस का साइन लगाओ। ये लाइन आया समझ में, आया ये बात आया समझ में? यस सर, केविन, उर्वी, ये सबको नुपुर हाँ बोले, हाँ सर, यस सर, ओके। बस इसमें यही करना है कि तुमको एक चेक करना है कि ये पानी बरसात में ट्राइंगल मारा, अगर ट्राइंगल मारता तो प्लस का साइन, ट्राइंगल में नहीं आएगा तो माइनस का साइन, सीधी बात है, दोनों ट्राइंगल से बाहर निकल रहा है पानी, इसलिए इसमें इसमें माइनस लगेगा। और लिमिट लेग के लिए हमेशा एक्स देखना, एक्स देखना, एक्स वाला देखना, तो वाई को मैंने इग्नोर किया, वो लगा दिया, इसको मिटा देता हूँ मैं। सो फाइनली हमारे सब कुछ रेडी हो गया है, अब एक बार इंटीग्रेट करके एक शॉर्टकट है उसमें हम आंसर लिख देंगे फट से, क्योंकि आप बहुत सारा लंबा खींच दिया। सर अभी भी बाकी है सर? नहीं, अब तो इंटीग्रेट करना है ना बाकी। अच्छा तो इंटीग्रेट करके आंसर लाने का ट्रिक बता दूंगा, तो ये सब तो टाइम पास है, ये सब टाइम पास माहौल बना। लिमिट कैसे अपना हमने रखी, लिमिट कैसे रखी ना, ए बी, ए बी देखो, यहाँ ए बी लाइन कहाँ है, यहाँ से आप तक ए बी लिख लो, तो पहले सोचो ए बी एक्स वाला खाली देखो, एक्स में वन है और बी का वाई एक्स वाला देखो खाली, क्या है वन से टू, घर से देखो तो सर सिर्फ x की वैल्यू डाली, y की नहीं, y का कोई काम नहीं, हमें देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, dx है, यानी x में वेरी कर रहा है, तो y से कोई लेना देना नहीं हमारा, y का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, y का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, तो हमने लिख ही दिया, बाकी लिमिट के लिए y का काम नहीं है, लिमिट के लिए x का काम होता है। आया समझ में? यस सर। केविन आया समझ में? हाँ सर आ गया। ओके सो यहाँ से हमारा हो गया, अब इंटीग्रेट कर देंगे खाली, इंटीग्रेट करना तुमको आता ही बढ़िया से, माइनस फोर है तो फोर एक्स हो जाएगा, टू है तो टू एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, कहाँ से कहाँ तक, वन से लेकर टू तक, माइनस थ्री बाई टू, एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, टू है तो टू एक्स कहाँ से कहाँ तक, टू से लेकर फोर तक, और तीसरा वन अपॉन में थ्री, एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में टू, फाइव है तो फाइव एक्स, वन से लेकर फोर तक। अब थोड़ा लिमिट पास कर लो, दो रखोगे तो कितना आएगा, टू फोर जार एट, ये टू से टू कर गया है, दो रखोगे टू टू जार फोर, माइनस एक रखोगे तो फोर, एक रखोगे तो वन। सॉल्व नहीं करना तुमको, खाली लिख लेना एक बार, लिख दिखावा के लिए, पेज भरने के लिए, और कुछ नहीं, थ्री बाई टू, बाकी ट्रिक बता दूंगा मैं, फोर फोर जार सिक्सटीन अपॉन में टू, फोर टू जार एट, माइनस टू रखोगे टू टू जार फोर अपॉन में टू, टू रखोगे फोर, और प्लस ये फोर वन बाई थ्री बाहर में है, ये रखोगे तो फोर फोर जा सिक्सटीन अब वन में टू, और फाइव फोर जा ट्वेंटी, माइनस वन रखोगे तो वन अप वन में टू, और प्लस फाइव, ये थोड़ा इतना तुम दिखावा के लिए कर देना, अब ये सवाल मत करना, एक रफ में काम करना, रफ में रफ पेपर में करना, क्या करना रफ में, ये ट्राइंगल तुमको पता है ही, ट्राइंगल एरिया निकालना तुमको सिखाया हुआ मैंने, अब इस देख लो एक बार, वन बाई टू लिखना है, वन टू टू जीरो, वन टू टू जीरो, और क्या है फोर थ्री, और जहाँ से शुरू किया वहीं पे खत्म करना, वन टू शुरू किया वन टू यहाँ लिख दो, इसका एरिया क्या है हाफ इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको जब मल्टीप्लाई करो तो वन जीरो जाए जीरो, यहाँ का जीरो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करना, टू थ्री जाए सिक्स, प्लस फोर टू जाए एट, प्लस माइनस साइन लगा दो नीचे, बीच माइनस फिर से ऊपर, नीचे से ऊपर जाओ, थ्री वन जाए थ्री, प्लस फोर जीरो जीरो जीरो, तो जीरो टू टू जाए फोर, अब इसको सॉल्व कर दो, चौदह हाफ हो गया कितना, चौदह माइनस सात कितना बचेगा सेवन, तो यहाँ बचेगा सेवन बाई टू, तो इसका आंसर क्या आ गया फाइनली,
आफ्टर सॉल्विंग चलिए देना 7/2 स्क्वायर यूनिट, बस हो गया, आ गया आंसर। ये तुमको शॉर्टकट आना चाहिए, शॉर्टकट सर ये इम्पोर्टेंट वाला है, ये एग्जाम में पूछा है कभी? हाँ हाँ ये पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पर सिंगल क्वेश्चन ट्राई करना, आंसर तुमको लाने तो बता ही दिया मैंने यहाँ पर, ये क्वेश्चन का यही आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुम यहाँ से अगर इतना कुछ नहीं करना चाहते, इतना पूरा जन मैंने किया है, इतना नहीं करना चाहते हो, तो ध्यान रखना क्या पहला दूसरा तीसरा में क्या, यही तुम यहाँ इतना कर सकते हो, यहाँ से चालू कर सकते हो। कैसे चालू कर सकते हैं? इसमें सब इसका वाई निकालो, इसका वाई निकालो, इसका वाई निकालो, तीनों का पहले वाई निकालो, तो वाई निकालने तुमको आता ही है, वाई को सब्जेक्ट बनाना ही बोलते हैं, वाई निकालना। अब देख लेना क्या कि इसमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, अगर तुम इतना मेहनत करना नहीं चाहते हो और फिर भी पूरे मार्क्स चाहते हो, तो तुमको याद रखना ये पड़ेगा कि इसमें से ये पहला वाला कौन सा 4-2s वाला, यानी ये इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, क्योंकि पॉइंट तुमको याद रख लिमिट याद रखना पड़ेगा, तब तो होगा 1 से 2, 2 से 4, 1 से 4, ऐसा है तो तुमको। अरे ऐसा नहीं, मैं बोल रही कि ये हार्ड है, मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम में कभी पूछा है, क्योंकि इतना बड़ा सर काम करने में, अभी तो हमारे पास 2 ही घंटे हो गए ना, तो ये इतना बड़ा पूछ सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। हाँ हाँ पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन ये तो कुछ नहीं, अभी भारी का क्वेश्चन, ये बुक के क्वेश्चन है, बुक में सब मिला 38 क्वेश्चन है ही, तो बुक के क्वेश्चन है, पूछते हैं तो पूछ सकते हैं, इसमें इस बुक का ही क्वेश्चन है तो इसमें पूछ सकते हैं, यस मिसलेनियस क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ये बस देखना, वापिस देखना, दिक्कत हो वापिस पूछना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था, 2-3 क्वेश्चन है मात्र खत्म हो जाएंगे, तो आगे बढ़ूँ मैं इसको। फोटो ले लो, खाली फोटो ले लो, फिर मैं वीडियो भेज दूंगा। चलो अगला जो सवाल है वही तो मैंने बता दिया था उस दिन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस दिन, इसके 15 नंबर मैंने उस पिछले लेक्चर में करवा दिया था, तो 16 नंबर रह गया है, तो 16 नंबर करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स वाई बराबर एक्स का क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स का क्यूब कॉमा द एक्स एक्सिस, द एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स, एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्स का वैल्यू -2 है और एक्स का वैल्यू 1 है। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान का सवाल है, कुछ सारे क्वेश्चन भारी नहीं होते। वाई बराबर एक्स का क्यूब जो होता है यूं होता है, एक्स का वैल्यू -2, यानी कहीं एक्स का वैल्यू -2 कहीं इधर ले लेंगे, ऐसा बना सकते हैं हम, बड़ा सा बना लेकर आप, अगर ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, मान लो ये बराबर वाई बराबर एक्स का क्यूब, ऑड फंक्शन है क्योंकि ऑड पावर है, मैंने तुमको पहले बताया हुआ है, तो वापस देख लो। अब यहाँ से ये देखना है कि वाई का लिमिट एक्स का लिमिट क्या क्या है, एक्स का वैल्यू -2 है, एक्स का वैल्यू -2 ये रहा, एक्स का वैल्यू -2, एस का वैल्यू 1, एस का वैल्यू मान लो कहीं यहाँ पे 1 होगा, इसमें ये एरिया बाउंड हो रहा, और देखो एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स का वैल्यू 2 और एस का क्यूब, तीनों मिलकर ये एरिया बाउंड कर रहा, इधर ये एरिया बाउंड कर रहा, तो यहाँ से हो गया तो -2 से लेकर 0 रिक्वायर्ड एरिया बराबर, दोनों ही केस में एक्स का क्यूब ही होगा लेकिन लिमिट अलग अलग होगा, क्या -2 से 0 डी, और ये क्या होगा 0 से 1 एक्स का क्यूब ही होगा, जस्ट इंटीग्रेट कर दो, 3 पावर है तो 4 पावर आ जाएगा, -2 से 0 3 पावर है तो 4 पावर आ जाएगा 0 से 1, तो 0 पास करोगे तो 0 ही रह जाएगा, और -2 पास करोगे तो 2 × 4 = 16, 16 × 4 हो जाएगा, ये हो गया प्लस ये 4 लिखा हुआ, 1 पास करो तो 1/4, 0 पास करो तो 0, ये करके कितना गया 4, और जो कि -4 आ रहा है, पर एरिया नेवर भी नेगेटिव, इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा, तो +4 लिखना पड़ेगा, इसका आंसर +4, और इसका आंसर आ गया 1/4, साफ साफ दिख ही रहा है, 17 × 4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन भारी होते हैं तो कुछ सिंपल भी होते हैं, ये मिसलेनियस के क्वेश्चन है, साइज 8 का चला रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन रह गए थे,
तो इस डन कर दिया, पता चल गया ना? यस सर। हाँ ये फोर है, यहाँ पे फोर, ये फोर है, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको सुधार देता हूँ, फोर लेता हूँ बढ़िया से, मुझे कंफ्यूजन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ही भारी, दो तीन क्वेश्चन ही मात्र भारी है, बड़े हैं, अदरवाइज सब आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। अब फिर बोलता है क्या, फाइंड एरिया, फाइंड एरिया अंडर कर्व y बराबर x mod x एंड द कोऑर्डिनेट्स, एंड द कोऑर्डिनेट्स, एंड द कोऑर्डिनेट्स क्या है, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1। तो देखो y mod x, और देखो y mod x mod x या y बराबर x का क्यूब या y बराबर 10x, तो सबका तीनों का ग्राफ बिल्कुल भाई भाई है, ये ऐसे ही होता है, ये भी ऐसे ही होता है, और ये भी ऐसे ही होता है, एक ही जैसा होता है, ये यूँ एक ही जैसा होता है, ये तीनों भाई भाई है। तो अभी तुरंत हमने किया था ये, इसका कभी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, ये तिरछा है, सीधा लाइन में समझना इस तरह से। जी समझा लेता हूँ कि ऐसा कैसे बन गया है यहाँ से, एक्स मॉड एक्स, इसके दो केस बनेंगे, एक बार एक्स का वैल्यू प्लस एक्स होगा, एक बार एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा। क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ये तो मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर होता है यू जैसा होता है और ये ए जैसा होता है, यहाँ से डॉट 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 इसको ना करता है, डॉट 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 इसको ना करता है, इस चक्कर में खाली इतना हाँ करता है, ये प्लस वाला पार्ट को लेना है इसमें, इसमें माइनस वाला पार्ट को लेना है, इस चक्कर में यही एरिया हमारा आता है, उतना प्लस माइनस याद नहीं रखने का तुमको, सिर्फ याद रखने का यूँ यूँ कर देना बस, इस तीनों में, ये तो नहीं पूछेगा, और ये अभी पूछ गया, अभी पूछा उसके बाद ये पूछा, ये नहीं पूछेगा। तो फाइनली यहाँ हमने डन कर लिया इसको, अब यहाँ देख रहा है साफ वैल्यू, देखो एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू -1 और वैल्यू 1, तो ये रहा एक्स का वैल्यू -1, मान लो कहीं यहाँ पे होगा, और एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा कहीं, देखो ये एरिया बाउंड कर रहा है इधर, ये एरिया बाउंड कर रहा है, और यहाँ पे ये एरिया बाउंड कर रहा है, तो फाइनली रिक्वायर एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर एरिया बराबर हो जाएगा, एक बार देखो ये, एक बार तो हमें प्लस में था, एक बार माइनस में था, तो ये आंसर जो है लिख देने का, एक बार देखो माइनस वन से क्या जाए, माइनस वन से लेकर जीरो जा रहा है, और ये जा रहा है वन से, जीरो से वन, माइनस वन, ये माइनस वन है, आप माइनस वन से जीरो जा रहा है, एक जा रहा है जीरो से वन, एक जा रहा है जीरो से वन, और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स, और दोनों एरिया प्लस करेंगे, तो इसमें और इसमें एरिया थोड़ा थोड़ा प्लस हो रहा है, तो हम दोनों एरिया को क्या कर देंगे, फाइनली प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों में एक्स स्क्वायर ही है, अब बोलो। मैं क्या बोल रही थी, ये आपने जो ग्राफ वाला बताया, ये जो एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर ऐसे होगा, उसके बाद आपने जो पढ़ाया वो आप वापस रिपीट कर सकते हो, मैं नीचे गई थी इसीलिए, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी को छूट जा रहा है, वापस देखो, वापस बताता हूँ फिर। अच्छा ठीक है तो मैं देख लो कि फिर रहने तो चलेगा, वीडियो बना हुआ है यहाँ, देखो पहला वाला है क्या यू बनेगा, ऊपर वाला ऊपर यू बना, यहाँ नीचे ये ऐसा बना, लेकिन क्या बोलता है वाई बराबर ये ऐसा है एक्स का स्क्वायर यू वाला, ये मैं कलर चेंज करता हूँ तुमको, और यहाँ पर आगे देखो, और ये है वाई बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस ही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इस केस में क्या एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसमें x लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर जीरो यानी राइट साइड वाला हाँ बोलना, तो इसमें से जो है y बराबर एक्स स्क्वायर में राइट साइड को हाँ बोलना है और इसको ना बोलना है, तो ये कट गया, इसमें देखोगे तो क्या है लेफ्ट साइड को हाँ बोलना है, देखो लेफ्ट साइड को हाँ बोलना है, राइट साइड को ना बोलना, तो लेफ्ट साइड को हाँ बोलना है, इसको कट, देखो इससे कट गया, तो फाइनली क्या बच गया हमारे पास, ऐसा ही बच गया, पता चला, अब तो बता दिया मैंने। ओके अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू -1 है, -1 ये इतना एरिया कवर कर जाएगा ये, और +1 इतना एरिया कवर कर जाएगा ये, यहाँ पर +1 है, वही हमने यहाँ पे सेटिंग कर दिया था, -1 +1 कर दिया था। अब दोनों ही केस में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला है, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला में क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये राइट वाला है एक्स का स्क्वायर डी एक्स, अब कर दो इंटीग्रेट,
दो पावर है तो क्या होगा, तीन हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो माइनस वन से जीरो तक, दो पावर है तो तीन हो जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तो जीरो से वन तक। तो लिमिट पास करो आप तो जीरो तो जीरो और माइनस माइनस वन में माइनस वन, ये हो गया तुम्हारा पहला। और ये माइनस है तो एरिया हमेशा क्या होता है, ये माइनस यहाँ रखना रख लो या माइनस यहाँ लगा मॉड कर लो, एरिया नेगेटिव होगा नहीं, माइनस तो माइनस हमारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो फाइनली ये मॉड के अंदर होने के कारण ये इसका आंसर प्लस में आएगा, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। आ रहा समझ में, या तुम इसको माइनस अंदर में रखो कोई दिक्कत, माइनस अंदर में रख लो कोई दिक्कत नहीं है, तो एरिया नेगेटिव होगा नहीं, तो ये माइनस अंदर में आ गया तो माइनस एस्पेक्ट क्यूब अपन में थ्री माइनस वन से जीरो। अब इंटीग्रेट करोगे जीरो रखोगे जीरो हो जाएगा, माइनस रखोगे तो माइनस वन आ जाएगा फाइनली, और बाहर है ये आंसर एक, ये माइनस और ये माइनस पास करोगे तो माइनस वन, और ये खुद माइनस है इसको करोगे प्लस, ये आंसर फेंकेगा क्या नेगेटिव फेंकेगा, बट मॉड के कारण ये फाइनल आंसर पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो वन और ये नीचे हो गया थ्री, वन अपन में थ्री, यहाँ वन पास करोगे तो वन बाय थ्री, जीरो पास करोगे जीरो, फिर से वन बाय थ्री, वन बाय थ्री एक आम, एक आम कितने आम हो गए, दो आम हो गए, टू बाय थ्री स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। मालूम पड़ा? यस सर। ओके यहाँ से हो गया डन, जिसमें इसको डायग्राम में तो कोई खास काम नहीं है, मेहनत नहीं है, ये तीनों का डायग्राम सेम ही होता है, तो मैंने समझा ही दिया और तुमको ये ऐसे बनाना और ये ऐसे बनाना है, ये लाइन खींच दे वापस क्लियर लिख देता हूँ, इसका वैल्यू माइनस वन, इसका वैल्यू वन। इवन तुम ये भी कर सकते हो बच्चे, एक एरिया निकाल करके सिर्फ एक एरिया निकाल कर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर तुम्हारा वही आएगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है दोनों का लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम दूरी पर है, जो एरिया इतना देगा उसी का डबल कर देना तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। अच्छा अगला क्वेश्चन है, 10 मिनट है ना, 10 मिनट है तो अगला क्वेश्चन होगा लास्ट भारी क्वेश्चन जो है, लेकिन भारी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अगले 20 मिनट में करेंगे। तो नेक्स्ट करता हूँ पेज, क्वेश्चन नंबर अभी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 को स्किप कर रहा हूँ, अगले ब्रेक के बाद करूँगा, और ये क्वेश्चन करता हूँ 19 नंबर कर देता हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन JEE बोला इसका मतलब भारी नहीं है, ठीक है, कितना बच्चा JEE ओ हो, कितना बोलेगा फिर JEE पूछा बुक में क्यों है, कि बहुत जमाने पहले IIT में ये क्वेश्चन पूछते थे, तो IIT वाला ही ने जो ये टेक्स्ट बुक बनाया था वो क्वेश्चन डाल दिया इसमें। तो क्वेश्चन क्या है कि द एरिया, अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एरिया ये JEE में आ जा सकता है, गुजगर में आ सकता है, इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, y बराबर cos x, y बराबर sin x, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, when x का जो वैल्यू है 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें तीनों का रोल होता है, जैसे y एक्सिस लिखा हुआ है तो सबका रोल होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करें तो कॉस एक्स का ग्राफ भी तुमको आता है, सबको आता है, बढ़िया से आता है, कॉस एक्स का ग्राफ अगर हम बात करेंगे तो कैसा होगा, ये यूं से ऐसा होता है कॉस एक्स का ग्राफ, लाल रंग, इसमें कलरफुल मार्कर है तो समझाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और साइन एक्स का ग्राफ यहाँ चलता है ऐसे 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 ऐसे, लेकिन देखो यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ ये पहला कट जो होता है वो 90 डिग्री का यहाँ होता है, और इसका जो यहाँ ठीक ऊंचाई यहाँ 90 डिग्री यहाँ होता है इसका साइन का, ये ब्लू वाला साइन एक्स है, लेकिन लेकिन हमारा जो लिमिट है वो 90 डिग्री तक का ही बात हो रहा है, तो 90 डिग्री और ये लाल वाला जहाँ लाल ब्लू कट रहा है वो है, तुमको मालूम होगा कि साइन एक्स का वैल्यू और कॉस एक्स का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे सेम होता है, कितना डिग्री सेम होता है, बोलो बोलो 45 डिग्री पे 1 45 डिग्री पे 1 का रूट 2 होता है।
45 डिग्री पर ही ये कट जाएगा, उसके बाद ये 45 डिग्री कटा, फिर इस तरह से ये, तो फाइनली हमारा जो हो जाएगा ये हमारा एरिया हो जाएगा यहाँ से लेकर तो ये एरिया 0 से 45 डिग्री पर ये टकरा रहा है हमारा, और इधर से फिर से 45 से यहाँ से ये चल गया इधर। अब एक चीज ध्यान देना है तुमको, अपर माइनस लोअर, लाल ऊपर है तो लाल लिखना, रिक्वायर्ड एरिया देखो, लाल ऊपर है रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले लिमिट देख लो कहाँ से 0 से पाई बाय 4, इसमें तो तकलीफ किसी को नहीं होगा, और अगला लिमिट कहाँ है पाई बाय 4 से पाई बाय 2, मुझे लगता है इस यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, देख लो यहाँ फोटो में सब दिख रहा है 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 4, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, इसमें कोई दिक्कत है किसी को लिमिट में? नो। अच्छा नो सर। लाल देखो, लाल ऊपर, लाल वाला का नाम क्या है, लाल वाले का क्या नाम है बताएगा कोई? लाल वाले कॉसैक्स नाम है। अपर, अपर होता है माइनस लोअर होता है, माइनस लोअर, लोअर ये लोअर, लोअर यहाँ पर साइन एक्स है, लाल से लिखा है, कोई दिक्कत होगा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ब्लू 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 ब्लू, ये साइन एक्स है, ये है साइन एक्स माइनस ब्लू, तो माइनस साइन एक्स हो गया, और प्लस आगे, अब आगे देखो राइट साइड में देखो, तो अब ब्लू ऊपर है, ब्लू ब्लू ब्लैक कौन है, साइन एक्स है, माइनस अपर माइनस लोअर, लोअर लोअर माप क्या है, फिर लाल वाला है, लाल वाला क्या है तो कॉस एक्स है, हमारे पास कलरफुल मार्कर है जिससे हम आसानी से समझ पाते हैं, तो सो फाइनली इंटीग्रेट करो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है प्लस माइनस है, प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इसको किया है प्लस, लिमिट कहाँ से है तो जीरो से पाई बाय फोर, प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ये पाई बाय फोर से लेकर के पाई बाय टू, अब लिमिट पास करो शांति से, अपर लिमिट पास करो तो साइन पाई बाय फोर प्लस कॉस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, अब लोअर लिमिट पास करो तो साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, पहले इसी को डील कर लेते हैं, तुमको मालूम है दोनों का वैल्यू वन बाय रूट टू ही होता है, वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, माइनस साइन जीरो जीरो होता है, माइनस कॉस जीरो वन होता है, ये क्या होगा टू बारी वन बाय रूट टू माइनस वन, इसको कटिंग कर देगा रूट टू को कटिंग करेगा तो रूट टू माइनस वन आ जाएगा ये वाला, यानी इस पूरा को सॉल्व करने के बाद क्या आंसर है रूट टू माइनस वन, इसमें देखो दोनों में माइनस है तो माइनस इधर बाहर ही कर लो हटा उसको, अब ये क्या हो जाएगा रियल में हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ये रियल में क्या हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, अब लिमिट पास कर लो तो कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कॉस पाई बाय फोर प्लस साइन पाई बाय फोर, अब वैल्यू पुट कर लो अब आराम से, वैल्यू तो पुट करना आसान है इसमें, तो माइनस का साइन यहाँ पर है इससे ब्रैकेट बंद किया, माइनस का साइन कॉस पाई बाय टू जीरो होता है, साइन पाई बाय टू वन होता है, इस दोनों का सम तभी तुरंत हमने सॉल्व किया क्या था टू रूट टू, देखो ध्यान से ये टू हाफ यानी रूट टू आया था, इस पूरे का सॉल्यूशन हमने यहाँ पे रूट टू लाया हुआ है, देखो यहाँ पर तो रूट टू को भी मार लो सीधा, तो फाइनल आंसर क्या गया माइनस वन माइनस माइनस प्लस रूट टू, तो माइनस वन प्लस रूट टू, तो क्या हो गया दो बारी रूट टू है तो टू रूट टू, दो बारी वन है तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, तो तुम टू कॉमन ले लो तो रूट टू माइनस वन, ऐसा कुछ लिख सकते हो रूट टू माइनस वन, लेकिन हमारा आंसर डबल दो गुना ज्यादा आ गया, जीरो से पाई बाय फोर से दो बार कट हो रहा है, टू इसमें सिर्फ आंसर है, देखो तुम लोग टेस्ट बुक देखो तो आंसर कितना दिया हुआ है टू रूट टू माइनस वन ऐसा दिया हुआ, तुम लोग देखो जरा सा 19 नंबर क्वेश्चन मेरे पास गलत है, इसका यही आंसर आना चाहिए, टेस्ट बुक देख लो ना 19 नंबर क्वेश्चन साइज 8 का क्या आंसर कितना दिया हुआ, हमारा आंसर आ रहा है टू रूट टू माइनस, ये ऑप्शन है, ये चेक करो जरा बता दो, तो चेक कर रहे हो सर बी दिया है,
बी में क्या ऑप्शन है? सिर्फ रूट टू माइनस वन है ना, बट ये दो बार हो रहा है। yes. रूट टू तो हो गया टू रूट टू माइनस टू, और यहाँ तो यहाँ से एक केस, यहाँ से एक केस। आंसर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आ नहीं आ रहा है, डबल आ रहा है तो कटा तो कहीं नहीं, आंसर तो यही आएगा फिर माइनस है इधर फाइव बाई फोर से, फाइव बाई लिमिट उल्टा नहीं लिखा, नहीं लिखा फाइव बाई फोर से, ये कॉस का क्या माइनस साइनस, सही है सब कुछ सही है क्या? चलो यही यहाँ पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब यही आंसर सही आएगा, क्योंकि दिया हुआ रूट टू माइनस बी ऑप्शन दिया हुआ, रूट टू माइनस वन दिया हुआ है आंसर, बट कहीं यहाँ से रूट टू माइनस वन सिर्फ इतना लेते ना, सिर्फ इतना इतना एरिया निकालते, इतना ही एरिया तो रूट टू माइनस वन आता, इतना एरिया निकालते तो, बट इतना डबल हो रहा है और जीरो से पाई बाय टू बोला हुआ इसने, इतना एरिया ये और इतना एरिया ये, तो ये रूट टू माइनस वन और ये भी रूट टू माइनस वन, दो बार आ रहा है रूट टू माइनस वन, एक बार इसमें आ रहा है रूट टू माइनस वन इसमें आ रहा है, दो बार आ गया रूट टू माइनस वन, तो इतना एरिया रूट टू माइनस वन आया, तो हमारे पास जो आंसर तुमको बुक में दिया हुआ है, और यहाँ पर फाइव बाय फोर लिखा होता है ना तो रूट टू माइनस वन, बट यहाँ फाइव बाय टू लिखा हुआ है, फाइव टू लिखा लिखा होता यहाँ से ये आंसर एरिया इतना जो भी आया उसको डबल कर देना, सीधी बात, जितना आया तो इतना क्या आया, रूट टू माइनस वन ही आया है, और ये भी रूट टू, देखो इधर वाला रूट टू माइनस वन ही आएगा, तो जो आया रूट टू माइनस वन का डबल वही हमारा आंसर आया है, अगर यहाँ फाइव 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 फोर अगर यहाँ लिखता है तब आंसर रूट टू तो होगा, तो हमारा आंसर जो आया वही आंसर करेक्ट है, यहाँ पे शायद मिस्टेक हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है कि फाइव बाई फोर लिखा हुआ है,